नमस्कार दोस्तों, वीडियो भंडार यूट्यूब चैनल वीडियो भंडार फेस पेज में आपका स्वागत है। भाई आज इस वीडियो में ना मैं आप लोगों को सोनालिका DI-35 ट्रैक्टर के बारे में बताऊंगा, इसकी टेक्निकल डिटेल्स भी बताऊंगा और DI-35 ट्रैक्टर कितने प्रकार के मॉडलों में आता है। आप लोग जैसे जाते हो मार्केट में, भाई जैसे एजेंसी में जाते हो तो DI-35 का बोल देते हो, लेकिन DI-35 वहाँ जाने के बाद आपको पता लगता है भाई काफ़ी वेरियंट के अंदर ये ट्रैक्टर आता है। पहले मैं आपको बता देता हूँ, DI जो सोनालिका DI-35 है, ये तीन प्रकार के मॉडल आते हैं इसके ट्रैक्टर के। एक तो आता है 35 HP कैटेगरी में, एक 39 HP कैटेगरी में और एक 42 HP की कैटेगरी के अंदर आते हैं ट्रैक्टर। तीनों ट्रैक्टरों में जो डिफरेंस है वो भी आप लोगों को बताऊंगा, जहाँ तक हो सकता है मैं आप लोगों को बताऊंगा। जो तीनों ट्रैक्टरों में सबसे पहला डिफरेंस है वो है हॉर्स पावर का। जो इनकी हॉर्स पावर है वो अलग अलग है तीनों ट्रैक्टरों की, जो आपको मैंने बताया। और जो 42 HP है और 39 HP है, सबसे ज़्यादा ट्रैक्टर सेल होने वाले ये दो ही हैं। 39 HP कैटेगरी में जो ट्रैक्टर आता है और 42 HP कैटेगरी के अंदर जो ट्रैक्टर ये आते हैं। इन दोनों ट्रैक्टरों में जैसे हम बात करें, भाई तीनों ट्रैक्टरों में तीन सिलेंडर वाटर कूल्ड इंजन आता है और तीन सिलेंडर वाटर कूल्ड इनलाइन पंप के साथ में, जो कि बोस कंपनी का इनलाइन पंप आता है इन ट्रैक्टरों के अंदर। आप लोगों को दिखा भी देता हूँ मैं ये इधर से, ये है ना अपना, ये देखो इधर, ये अपना बोस कंपनी का इनलाइन पंप के साथ में आता है ट्रैक्टर। और अपना वाटर सेपरेटर ये सब सेपरेट सभी में सेम होता है ट्रैक्टरों के अंदर। इनमें जो जैसे ये 39 HP कैटेगरी जिसके ऊपर लिखा हुआ है, जो इसका हम टॉर्क की बात करें, 39 HP वाला जो मैक्सिमम जो टॉर्क है इसका 167 Nm टॉर्क पैदा करा गया है ट्रैक्टर 1800 RPM पे, जो कि अपने डैशबोर्ड में आपको यहाँ पे मिल जाएगा इस चीज़ का। और जैसे हम इसके गियर की बात करें, जैसे इस DI-35 के अंदर जितना मेरे को नॉलेज है उसमें एक ही गियर बॉक्स आता है, कॉन्स्टेंट मैच गियर बॉक्स आता है, 8+2, 8 गियर आगे के लिए और 2 गियर पीछे के लिए। और साथ में आपको मिल जाएगा साइड शिफ्टिंग गियर से, जो कि अपना जो लीवर है वो साइड शिफ्ट मिलेंगे आपको। और सोनालिका जैसे दिया हुआ अपना सोनालिका हैवी ड्यूटी इंश्योर 5 ईयर वारंटी के साथ में, 5 साल की वारंटी के साथ, जो कि कंपनी स्टिकर लगा के भी दिया है। आप इसके बारे में डीलर से बात कर सकते हो। और इनके अंदर एक मेन डिफरेंस आता है, जैसे आप इस ट्रैक्टर लेना चाहो, जैसे आप पावर स्टेयरिंग में भी ले सकते हो और मैकेनिकल स्टेयरिंग में भी आप इसको ट्रैक्टर को ले सकते हो अपने काम के हिसाब से। जो कि जो मेन आपको जैसे पता कैसे लगा भाई 39 HP का है या 42 HP का है, जैसे आप देखोगे वे ट्रैक्टर पर इस पर बिल्कुल ऐसे सोनालिका DI-35 हैवी ड्यूटी HDM लिखा हुआ है इन्हें सिकंदर, लेकिन वो चीज़ें आपको इस ट्रैक्टर में मिलेंगी। लेकिन इस पर जो मेन है वो मिलेगा आपको पावर प्लस स्टिकर, इसका मतलब ये 42 HP का ट्रैक्टर है। अब मेन बात आ गई भाई HP बढ़ गई, टायर साइज़ की बात करते हैं। अब हम जैसे अगर टायर साइज़ की बात करें, जो 42 HP और 39 HP कैटेगरी में जो ट्रैक्टर हैं, सॉरी जो मैं HP बोल रहा हूँ इसको कैटेगरी समझना आप, 42 HP और 39 HP जो ट्रैक्टर है उनका टायर साइज़ आता है 13-6-28 के टायर साइज़ के साथ में ट्रैक्टर कंपनी से आता है। लेकिन जो 35 HP वाला जो ट्रैक्टर है उस ट्रैक्टर के अंदर आता है 12-28 का टायर भी आपको ऑप्शन में मिल जाएगा, वो अपने काम के अकॉर्डिंग आप उस ट्रैक्टर को ले सकते हो। अब बात करते हैं इसके PTO की, जैसे कि जो PTO स्पीड है, जैसे हम PTO HP की बात करें, जो कि मेरे पास जो फिलहाल है 39 HP और 42 HP वाले की PTO पावर है, जो कि 39 HP वाला जो ट्रैक्टर है इसकी PTO पावर 34.87 HP है इस ट्रैक्टर की PTO पावर है। और जो 42 HP वाला ट्रैक्टर है इसकी PTO पावर है 39.56 HP, ये कैटेगरी के अंदर है ट्रैक्टर, 39 HP कैटेगरी और 42 HP कैटेगरी के अंदर, तो इनकी PTO पावर ये है। अब मेन जो डिफरेंस है इनमें पावर का डिफरेंस जो आता है, इंजन में क्या डिफरेंस दिया ट्रैक्टरों में 42 HP और 39 HP कैटेगरी वालों के लिए, इनमें जो मेन दिया डिफरेंस दिया वो आपको और दिखाता हूँ उधर उस साइड से। इनमें जो मेन है वो है बोर का, जैसे कि जो ट्रैक्टर के अंदर जो बोर है वो बड़े छोटे का फ़र्क है, जो मेनली जो इनके अंदर जो पावर का जो बढ़ाया घटाया गया है वो चीज़ भी आप लोगों को दिखाता हूँ। जैसे आप यहाँ देखोगे ये 39 HP कैटेगरी वाला ट्रैक्टर है, आप इस पर नंबर देखो यहाँ पर 100 लिखा हुआ है, 100 mm के बोर के साथ में है, ये स्ट्रोक लगभग सेम है दोनों का ट्रैक्टरों का। और जो इसमें जो ये अपना 42 HP वाला ट्रैक्टर है, कैटेगरी वाला ट्रैक्टर है, इसमें आप देखोगे तो यहाँ पर आपको मिलेगा 102 लिखा हुआ, ये देखो 102 लिख रहा है, 3102 तीन सिलेंडर 102 का मतलब 102 का बोर है इसके अंदर। और जैसे ट्रैक्टर में बात करें, जैसे दो पंप दिए अपना हाइड्रोलिक पंप और इन लिफ्ट के लिए, और ये अपना पावर स्टीयरिंग के लिए पंप दे दिया अलग से, दोनों अलग अलग दे दिए, जो कि अगर किसी भी एक पंप में प्रॉब्लम था तो पहले क्या था दोनों खोलने पड़ते, लेकिन अब वो इसके अंदर सोल्व कर दी गई है। अब बात करते हैं इसकी लिफ्ट की बात करें, जैसे कंपनी लिख के दिया 1800 kg की, जैसे कि भाई यूज 1 होल 2 फोलो लोअर लिंक, ये जैसे भाई जो 1800 kg है वो एक कंडीशन पे आपको 1800 kg लिफ्ट कैपेसिटी आपको प्रोवाइड करवा पाएगा। वैसे नॉर्मल जैसे भाई अपने काम के हिसाब से आप जैसे लिंक जो इन्होंने लिखा है कंपनी ऊपर ने वो दिया है, जो ये छेद होते हैं इनके अकॉर्डिंग आपकी लिफ्ट कैपेसिटी कम और ज़्यादा हो सकती है।
और सबसे बड़ी बात एक चीज़ और बता, पीटीओ एक्सपी होगी थी, लेकिन पीटीओ के राउंड की बात आती है भाई, पीटीओ के राउंड कितने हैं सर? अब जो सोनाली का DI 35 आता है, इसके अंदर आपको मिल जाएगा 540 लाइव पीटीओ प्लस में रिवर्स पीटीओ, और उसके बाद आता है एक गियर स्पीड पीटीओ, जैसे आप गियर में लगा के आप पीटीओ को चलाना चाहो तो वो पीटीओ भी तो भी चल जाएगी इसकी। जैसे इसका गियर स्पीड पीटीओ का मेन उद्देश्य होता है, जैसे आपने कभी कई बार बिल्कुल लो RPM पे आपको जैसे पानी का पंखा चलाना है या कुछ और चीज़ चलानी है तो वहाँ पे आप भी आप इसको आराम से चला सकते हो, जिससे आपका डीजल खर्च कम हो जाएगा। और जैसे जो कॉमन की बात करें ट्रैक्टर के अंदर, जैसे कंपनी ने क्या बदलाव किया, एक तो हिच के अंदर बदलाव किया है। जो हिच है, कई बार क्या होता है ट्रैक्टर में जैसे हिच निकालना पड़ता था, हम PTO से कोई भी ऑपरेटर PTO से कोई भी यंत्र चलाते थे, अब इसको आप पलट के डाल दोगे आपका हिच भी लगा रहेगा और साथ में आपकी PTO भी काम करती रहेगी, जिससे कोई नुकसान नहीं आएगा। 1800 kg की लिफ्ट कैपेसिटी के साथ में है ट्रैक्टर ये, साथ में सिंगल क्विक रिलीज वॉल और इंडिपेंडेंट लीवर देता है कंपनी आपके, तो ताकि आप जैसे कोई पीटीओ ट्रॉली है, आप कोई भी जैसे हाइड्रोलिक ट्रॉली सॉरी पीटीओ हाइड्रोलिक ट्रॉली वगैरह जैसे आप चलाना चाहते हो या कोई भी वो पीछे कृषि यंत्र आप लगाना चाहते हो तो उसके लिए अलग से लीवर भी दे दिया, और लिफ्ट लीवर है तो वो अपना एकदम बिल्कुल सिंपल अलग अलग है। अब बात आती है SFC की, भाई ट्रैक्टर डीजल कौन सा कम खाता है कौन सा ज़्यादा खाता है। अब दोनों ट्रैक्टरों में क्या है, जैसे 42 HP का और 39 HP का मेरे पास डाटा मिल पाया था कैटेगरी का, जो 39 HP का, जो अगर हम SFC की बात करें, जैसे कि अपना ये 39 HP का ट्रैक्टर है, तो इसकी जो SFC है 186 ग्राम पर हावर पर HP के हिसाब से, और अगर मान के चलो जो 42 HP कैटेगरी का जो ट्रैक्टर है उसकी जो SFC है स्पेसिफिक फ्यूल कंजप्शन वो है 183 ग्राम पर हावर पर HP। तो यहाँ देखा जाए तो अपना 42 HP वाला ट्रैक्टर जैसे कि टेक्निकली कम डीजल ले रहा है और पावर भी ज़्यादा निकाल रहा है आपकी। और दूसरी बात जैसे बात करें ब्रेक की बात करें, ब्रेक सभी में ऑयल इंग्रीस्ड ब्रेक के साथ में ट्रैक्टर आते हैं, तेल में डूबे हुए ब्रेक आते हैं ये ट्रैक्टरों के अंदर, और नॉर्मली जो क्लस्टर वगैरह और सारी जैसे रेस है RPM क्लस्टर अगर मीटर की बात करें तो मीटर आप देखोगे तो 2500 RPM ये कॉमन चीज़ है, सभी में कॉमन आते हैं ट्रैक्टर इनमें तीनों मॉडलों में, हाथ वाली रेस के साथ में भी आता है और 8+2 गियर के साथ में ये चीज़ें सारी आपको मिल जाएंगी। बैटरी बॉक्स इधर दिया जाता है। अब इसकी जैसे बात करें भाई स्पिल कट की बात करें तो स्पिल कट डिग्री अभी जैसे मेरे को वो डाटा मिल नहीं पाया, आने वाले टाइम आप लोगों को दूंगा। और ऑयल बाथ एयर क्लीनर के साथ में आता है ट्रैक्टर, जो कि ऑयल बाथ एयर क्लीनर के साथ में ट्रैक्टर आता है, ड्राई एयर क्लीनर में नहीं आता। हाँ एक चीज़ और बताता हूँ आप लोगों को, वो चीज़ मेरे दिमाग से निकल गई थी, ये मॉडल आपको DI 35 आपको RX लुक में भी मिल जाएगा, आपको ट्रैक्टर RX लुक में भी आता है, ऑप्शनली आपको आप उसको मंगवा सकते हो स्पेशली ऑर्डर करके, वो एरिया वाइज अलग अलग प्रकार से जैसे ट्रैक्टर का फर्क पड़ता है उसमें, जैसे प्लेटफॉर्म का फर्क आ जाएगा और छोटी छोटी चीज़ों का बहुत कुछ कंपनी डिफरेंस डालती है। तो भी यही चीज़ था सोनाली का DI 35 सिकंदर, जो भी 39 HP कैटेगरी 35 HP कैटेगरी और 42 HP कैटेगरी के अंदर तीनों ट्रैक्टर आते हैं। इनमें जितना मेरे को जो पता लग सका भाई, आप लोग जैसे एजेंसी में जाते हो तो आप सीधा बोलते हो DI 35 दे दो, DI 35 में क्या क्या बदलाव हैं, कितने मॉडल आते हैं, फिर डीलर आपको वहाँ बताता है समझाता है। तो आपको मैं चाह रहा भाई क्योंकि क्यों ना आपको घर से ही पता लगे, आप दिमाग अपना माइंड सेट करके जाओ तो वहाँ जाते दुकान पर जाके अपना पता लगा सकते हो कौन सा ट्रैक्टर मेरे को लेना है, क्या इसका रेट रहेगा, क्या सारी चीज़ें हैं। अब जैसे 5 साल की वारंटी के साथ में ट्रैक्टर आ गए हैं, उसके बाद में साथ के साथ में कंपनी जैसे भाई आजकल सर्विस पीरियड भी है वो भी कुछ ज़्यादा दे रही है, जैसे 500 घंटे की सर्विस पे भी आते हैं ट्रैक्टर, और 200-250 घंटे वाले जो नॉर्मल 250 घंटे वाली सर्विस है उस पर भी आते हैं, तो वो अपने आपको जैसे डीलर आपको अच्छे से गाइड कर देगा, आप वहाँ जाकर उनके बारे में पता कर सकते हो। तो भाई जैसी वीडियो लगे कमेंट करें जरूर बता देना, वीडियो पसंद आए तो चैनल सब्सक्राइब करना, वीडियो लाइक करना और शेयर करना। थैंक यू दोस्तों।